आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी शाही भिंडी की रेसिपी। ये हमारी भिंडी की सब्जी बहुत ही स्पेशल है, आप इसे किसी भी स्पेशल ओकेजन पे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने बहुत ही टेस्टी शाही भिंडी बनाना। इसके लिए मैंने आधा किलो भिंडी लिया है, इसको मैंने साफ धुल के सुखा लिया था। उसके बाद इसे मीडियम आकार का मैंने काट लिया है, आगे पीछे का हिस्सा मैंने काट दिया है, उसके बाद इसे मीडियम आकार में काट लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो सबसे पहले हम मसाले का पेस्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 3/4 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर लिया है और आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर लिया है। अब हमें इसका पेस्ट तैयार करना है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इससे क्या होता है कि मसाले जो है बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, क्योंकि ये शाही भिंडी है तो ये हमें स्पेशल तरीके से बनानी है। थोड़ा और पानी लेंगे और जब तक हम आगे की प्रोसीजर करेंगे तब तक ये मसाले अच्छे से फूल के तैयार हो जाएंगे, तब इन्हें साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लेके ऐड कर दिया है। अब ऑयल को अच्छे से हम गरम होने देंगे, आप ये किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। और अब ये जो भिंडी मैंने काटी थी अब इसको लेके हमें इसमें फ्राई कर लेना है। अब इसे शुरुआत में हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, जब तक कि ये कलर ना चेंज होने लगे। इसमें फ्राई करने से क्या होता है कि भिंडी का जो लेस होता है वो खत्म हो जाता है और भिंडी बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसे मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ बहुत ही कम ऑयल में। ये देखिए अभी जो इसमें लेस दिख रहा है, थोड़ी देर में इसमें ये खत्म हो जाएगा। हल्के हाथों से इसे चलाएं, जेंटली, बहुत तेज हाथों से ना चलाएं। ये देखिए भिंडियों को फ्राई करते हुए हमें 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैंने फ्लेम थोड़ी लो कर दी है जिससे भिंडी अंदर तक पक जाए। और ये देखिए अभी इसमें काफी लेस है, थोड़ी देर में ये इसका सारा लेस खत्म हो जाएगा। तो अब मैंने गैस थोड़ी धीमी कर दी है और इसे अच्छे से हम फिर थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। ये देखिए 4 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे अब पकाया है हल्के हाथों से चलाते हुए, तो इसका सारा लेस अपने आप खत्म हो गया है और ये तेल अपने आप छोड़ने लगी है, यानी ये भिंडी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रही है, इसका लेस सारा खत्म हो गया है। तो अब बस हम इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम करके 2 मिनट के लिए और पका लेंगे कि ये अच्छे से पक जाए, लास्ट में हमें इसे ज़्यादा पकाना ना पड़े क्योंकि ये ग्रेवी वाली सब्जी है। ये देखिए भिंडी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, कलर इसका हल्का लाइट ब्राउन आ चुका है और ये तेल कढ़ाई में देखिए छोड़ने लगा है। तो अब हम इसे प्रेस करते हुए निकाल लेंगे और टोटल ये भिंडी को फ्राई होने में 8 से 9 मिनट लगे हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। अब भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, तो अब हम अपने मसालों का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये 2 प्याज है और ये 8 से 10 कलियां लहसुन की हैं और 1.5 इंच अदरक है, इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो एक ग्राइंडर जार में लेंगे और इसका पेस्ट हम तैयार कर लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। ये देखिए इसका पेस्ट तैयार हो गया है। अब उसी ग्राइंडर जार में हमने 2 लाल टमाटर ले लिए हैं, इसका अभी हमें पेस्ट तैयार करना है। और इसमें अब हम ऐड करेंगे 6 से 7 काजू जिसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में सोक कर दिया था, क्योंकि ये शाही भिंडी है तो इसमें काजू से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए टमाटर और काजू का भी पेस्ट बन के तैयार है। ये देखिए जिस कढ़ाई में मैंने भिंडी फ्राई की थी उसमें थोड़ा ऑयल बच गया है, तो इसमें अब मैं 1 स्पून और ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं इसमें अब थोड़े खड़े मसाले ऐड करूंगी। तो 1 तेज पत्ता है, 1 जावित्री है, छोटी सी दालचीनी की स्टिक है, 2 लौंग है और 2 इलायची है जिसे मैंने खोल दिया है। तो अब मैं इसको ऐड कर दूंगी और इसमें 1/2 चम्मच जीरा और 1 चुटकी हींग भी ऐड कर देंगे। इन मसालों को अच्छे से इस फ्लैटर में देंगे। अब हम इसमें प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे।
मसाले अच्छे, ये जो प्याज हैं ये थोड़े पक जाएं। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं मसालों को फ्राई करते हुए, लगातार मैं इसे चला रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो मसाले मैंने सोक किए थे, ये हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और इसे भी हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे कि मसालों का फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाए। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके ऐड कर दे रही हूँ। इसमें ये जो मसाले इसमें लगे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, लगभग 3 चम्मच पानी होगा। और अब मैं इसे लगातार चलाते हुए इसे भी पका लूँगी। ये देखिए 2.5 मिनट हो चुके हैं और कैसे मसालों ने तेल छोड़ दिया है, तो मसाला भी इसमें अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें ये जो टमाटर और काजू का पेस्ट तैयार किया था इसको ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे, इस टमाटर को भी इसमें। और ये कुकिंग प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाए इसलिए मैं इसमें नमक भी अभी ऐड कर दे रही हूँ, तो नमक आप स्वाद अनुसार ऐड करें। और इसमें मैंने हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया था, अगर आपको तीखा और पसंद हो तो आप इसमें हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है जो कि तीखा कम होता है। अब टमाटर को आप चाहें तो इसको इस स्टेज पे 2 से 3 मिनट ढक दें लो फ्लेम पे, जिससे ये ग्रेवी अच्छे से पक जाए, और चाहें तो लगातार चलाते रहें। ये देखिए इसे मैंने 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे ढक दिया था इस मसाले को, तो ये काफ़ी हद तक पक चुके हैं। तो बस इसको 1 से 2 मिनट और हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे कि ये थोड़ा अच्छे से हमारा मसाला भुन जाए, क्योंकि मसाला जितना अच्छे से भुनता है उतना ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में से। हम और 2 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए टमाटर का पेस्ट भी इसमें अच्छे से पक चुका है और ये देखिए कढ़ाई को छोड़ने लगा है, ये इंडिकेशन है कि मसाले हमारे सारे अच्छे से भून चुके हैं। तो अब फ्लेम एकदम लो कर दें, क्योंकि अब हमें इसमें दही ऐड करनी है और ये दही मैंने अच्छे से फेंट ली है। और ये आपको देखना है कि दही एकदम खट्टी नहीं होनी चाहिए, क्रीमी दही होनी चाहिए। तो अब मैं इसमें 3 बड़े चम्मच दही लेके ऐड कर दूंगी और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे कि इसमें दही में कोई भी लम्प्स ना पड़े। तो इस प्रोसेस में आप थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, लगातार इसको चलाते रहें 1 से 1.5 मिनट तक। फ्लेम थोड़ी अब थोड़ी मीडियम कर दें। ये देखिए दही भी इसमें अच्छे से पक चुकी है, तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी सब्जी में। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। आपको अगर ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करूँगी और ग्रेवी में अब हम अच्छा सा बॉयल आने देंगे। मैंने नमक ऐड कर दिया था और इस स्टेज पे आप नमक एक बार ज़रूर चेक कर लें कि नमक इसमें कैसा है। ये देखिए ग्रेवी में बहुत ही अच्छा उबाल आ चुका है, तो इस स्टेज पे हम इसमें 1 चम्मच मलाई लेके ऐड कर देंगे। ये घर की मलाई है, आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये शाही सब्ज़ी है इस वजह से मैंने इसमें ये मलाई ऐड की है। अगर आपको ये ज़्यादा नहीं पसंद है इसमें मलाई तो आप इसको स्किप कर सकते हैं एकदम से। तो अब इसमें बहुत ही अच्छा उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें अपनी भिंडियाँ ऐड करेंगे जो ऑलरेडी मैंने फ्राई की है। ये देखिए अब हम इसे ऐड कर देंगे इसमें। अब हम इसमें 1/2 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे, तो इसमें हाथ से आप क्रश करते हुए इसमें ऐड करें, इसको मिक्स कर दें। अब ये भिंडियाँ ऑलरेडी फ्राई थी तो इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, तो बस अब हम लो फ्लेम एकदम कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक के हम इसे पकने देंगे कि भिंडी के अंदर तक अच्छे से ग्रेवी चली जाए। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, तो इसका ढक्कन मैंने हटा दिया है और सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छी पक के तैयार हो गई है। तो अब हम इस स्टेज पे अपनी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती भी ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छी लगती है सब्ज़ी, जब आपको कभी स्पेशल भिंडी की सब्ज़ी खानी हो तो आप ये सब्ज़ी बना के ज़रूर ट्राई करें। और अब मैंने गैस बंद कर दी है, लास्ट में फिर हम इसे धनिया की पत्ती के साथ गार्निश करेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे सर्विंग के लिए।
सो फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी शाही भिंडी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूला करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ओके, बाय।